आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। मोदी जी की शासन में कहीं ना कहीं दलित परेशान दिख रहा। आइए हम दिखाएंगे जंतर मंतर की वह आवाज जहां ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए मिले। मैं आपको मिलवाऊंगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयन बाबोले व संयुक्त मोर्चा के प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद हैं। तमाम लोगों की आवाज आप तक पहुंचेगी जनसंसद न्यूज के जरिए। तो आइए हम सुने सर्वप्रथम विनय बाबोले। हमारे प्रमुख दो मांग है। पहली मांग है कि रिजर्वेशन को प्रमुख करना चाहिए। गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहना चाहिए कि एससी एसटी को रिजर्वेशन। दूसरी हमारी डिमांड है इलेक्शन प्रोसेस में चेंज करना, जितने भी प्रतिनिधि जाने के लिए इलेक्शन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए और उसके साथ ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ने लानी चाहिए। ये हमारे निवासी मुक्ति मोर्चा एक साझा इसके तहत हम लोगों ने मांग रखी है तमाम जो बेरोजगार है और जो आम जनता है उसको बुनियादी सुविधाओं का अधिकार दिया जाए। न्यूनतम 25,000 करोड़ प्रत्येक बेरोजगार को मिलना चाहिए और जो किसानों के साथ 3 बिल जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको तत्काल वापस किया जाए। और ऐसे हमने जो है फेडरेशन की जो मांग है कि इसमें हम लोगों ने जो किया है कि हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है वो टोटल गलत हो रही है। ईवीएम को भी हमने बैन करने की बात है, नियम ही नहीं बल्कि बंद किया जा रहा है। भारत के अंदर ईवीएम चल रहा है और भी तत्काल बैन किया जाए। ऐसी जो मांगे हैं और यही आशा करते हैं कि भारत की सरकार जो है हमारी महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है। ये विशाल धरना आंदोलन इसलिए किया है कि जो भारतीय घटनाक्रम है अधिकार है अधिकार ये सरकार गवाना चाहती है। अनुसूचित जाति जमातियों का रिजर्वेशन प्रमोशन ये जो कानून था वो कानून अग्रिम न्यायालय ने रद्द करवा कर 7 तारीख को जो डिसीजन दिया है उसमें रद्द करवाने का निर्णय दिया है। उस निर्णय के खिलाफ आज का यह धरना आंदोलन है। उसी प्रकार इस देश के अंदर में जो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो प्लूरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे की अपन बहुसदस्यीय पद्धति का अवलंबन होना चाहिए। आज 75 वर्ष की आजादी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आजादी में समाज ने हमारे साथ में छुआछूत कुछ भी धर्म प्राप्ति का व्यवहार किया जाता है। हम ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत त्रस्त है, प्रताड़ित है। पहले था ऐसा ही बना रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हम धरना जो दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमारा संविधान बचा रहे और हमारी जिंदगी जो रुकी हुई है बिजली में ठक्कर मारी है हमको जो है हम बचाने के लिए ठक्कर बैठे हैं। संविधान काफी दिनों मिला इलांटी तेलंगाणा मुख्यमंत्री बंधुवाणी एनो पथका लाभ अला पथका प्राइम मिनिस्टर गारूड दलित बंधु पथका चाल अन्यायम जरूरत అలాంటి